साथियों, HTML बेसिक्स में आपने पढ़ा था एब्रीवेशन टैग। आज हम पढ़ेंगे DFN टैग। DFN टैग क्या होता है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं और इसको हम सही जगह पे कहाँ पे यूज़ करें, ये सारा जानेंगे इस वीडियो में। तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो आइए सीख लेते हैं। देखिए, DFN टैग का काम क्या होता है, ये किसी भी स्पेशल वर्ड की इंफॉर्मेशन को बताता है। आपने कई बार ऑनलाइन चेक किया होगा, आप कोई पैराग्राफ रीड कर रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे किसी वर्ड के ऊपर जब आप माउस को लेके जाते हैं वहाँ, तो वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाता है, या फिर किसी वर्ड की फुल फॉर्म हमने देखनी है। जैसे यहाँ पे रैम लिखा हुआ है, मैंने एक पैराग्राफ टाइप किया है, इसमें मैंने रैम लिखा है और रैम की फुल फॉर्म हमने देखनी है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखनी नहीं है, सिर्फ हम शो कराना चाहें कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो उसके लिए हम करेंगे DFN टैग का यूज़। तो देखिए, DFN टैग के लिए मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे पैराग्राफ स्टार्ट है, यहाँ पे क्लोज है। ठीक है, हम DFN राम को अगर यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन दिखाना चाह रहे हैं इसकी रैम की, तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे DFN टैग और इस रैम के तुरंत बाद हम कर देंगे DFN को क्लोज। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसकी एक एट्रीब्यूट लगानी पड़ेगी DFN टैग की। DFN के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम करेंगे टाइटल। टाइटल के अंदर हमने इसकी फुल फॉर्म डालनी है या इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है इस वर्ड की, या किसी एक पूरे सेंटेंस की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसको कर देता हूँ मैं सेव, और इधर आके करेंगे इसको रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखिए, जो रैम जो लिखा हुआ था पहले, वो अब थोड़ा सा इटैलिक हो गया है ना। हम इसके ऊपर जैसे ही माउस को लेकर जाएंगे तो यहाँ पे ये इसकी इन्फॉर्मेशन शो करेगा। इसमें हमने लिखा हुआ है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि इसकी फुल फॉर्म हमने लिखी हुई है। इसी प्रकार काम करती थी एब्रीवेशन टैग। उसके लिए हम देखो यहाँ पे मैं कहीं और लगा रहा था, तो रीड के ऊपर यहाँ पे लगा देते हैं हम एब्रीवेशन AWR। इसकी भी एट्रीब्यूट्स हम साथ साथ लगा देते हैं, टाइटल, और भाई इसका हम रीड का क्या कर देते हैं, रीड का मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, मैं यही डाल देता हूँ, और रीड वर्ड के आखिरी में आके हम एब्रीवेशन को क्लोज कर देंगे, हो गया, और सेव कर देंगे इस फाइल को, और यहाँ पे आके करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो, दोनों में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है आपको। जो रैम पे हमने DFN टैग लगाई थी, तो ये उस वर्ड को या उस करेक्टर को या उस सेंटेंस को इटैलिक कर देगा, जबकि एब्रीवेशन टैग उस वर्ड के नीचे एक अंडरलाइन दिखा देगा। हम इसके ऊपर यूँ लेके जाएंगे तो यहाँ भी ये वही काम कर रहा है जो DFN टैग कर रहा था। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए, जब भी हमने किसी पैराग्राफ के या सेंटेंस के शुरू में किसी वर्ड की इन्फॉर्मेशन ने दिखानी है, तो हम DFN टैग यूज़ करेंगे, यानी कि डिफाइन टैग, और यदि पैराग्राफ के बीच में किसी वर्ड की हमने इन्फॉर्मेशन शो करानी है तो हम एब्रीवेशन टैग का यूज़ करेंगे। आशा है साथियों, वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट्स में बताइए, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए, और नए हैं हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।